वहीं हरियाणा में कर्मचारियों की ओर से अपनी मांगों को लेकर की जा रही भूख हड़ताल कर्मचारियों को जूस पिलाकर समाप्त करवा दी गई है। इस मौके पर कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और कहा कि ये तो ट्रेलर था, फिल्म अभी बाकी है। कर्मचारियों ने 23 जनवरी को करनाल में आर पार की लड़ाई लड़ने का ऐलान किया है। हजार टीवी न्यूज के लिए रेवाड़ी हरियाणा से नवीन शर्मा की रिपोर्ट। रोडवेज तालमेल कमेटी के तयशुदा प्रोग्राम अनुसार कल दोपहर 12 बजे प्रत्येक डिपो सत्र पर यूनियन पदाधिकारी और 365 जो चालक हटाए थे उनमें हमारे यहाँ साथ साथी यहाँ भी थे, वो सारे यहाँ आज भूख हड़ताल पर कल बैठे थे और आज समापन कर रहे हैं। जूस पिला के समापन किया? जूस पिला के समापन। आगे आगे क्या कुछ रणनीति रहेगी? हम सरकार को चेताना चाहते हैं कि ये तो एक ट्रेलर है, पूरी फिल्म अभी बाकी है। 23 तारीख को करनाल मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र में एक आपात बैठक बुलाई गई है रोडवेज तालमेल कमेटी की, जिसमें निर्णायक फैसला लिया जाएगा, आर पार की घोषणा की जाएगी। समय रहते सरकार इन 365 चालकों को जो हटाए हैं इनको तुरंत वापस करें और जो परिवहन बेड़े में 720 हायर स्कीम की बसें हैं उनको वापस करें और गांव में जो रात्रि ठहराव का फरमान जारी किया है, जो बंद की गई है, उनको तुरंत बहाल करें। ओवर टाइम पॉलिसी हम चाहते हैं ओवर टाइम ख़त्म किया जाए, क्योंकि हमारा चालक परिचालक समाज से कट चुका था। सुबह निकलता था 4 बजे और रात को 12-12 बजे घर पहुँचता था। हम चाहते हैं ओवर टाइम ख़त्म हो।